हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। माय सेल्फ राकेश कुमार चौहान, और आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग फिगर्स में स्क्वेयर और रेक्टेंगल को। हमने रीजनिंग के लास्ट क्लासेस में ट्रायंगल्स को काउंट किया था, और ट्रायंगल्स के जितने भी टाइप बनते हैं एग्जाम्स में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स को हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्क्वेयर। किसको देखेंगे? स्क्वेयर। स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। स्क्वेयर और रेक्टेंगल्स को हम पढ़ेंगे आज, और हम देखेंगे कि यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। So, आप देखते चाहिए, अगर इस तरीके का फिगर है, सभी मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं स्क्वेयर की, ये याद रखना है। स्क्वेयर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कितना स्क्वेयर है? एक। क्लियर है? अगर अब यहां पर हमें स्क्वेयर्स फाइंड आउट करना है, 1, 2, 3, 4, कितने स्क्वेयर हो गए? 4, और एक स्क्वेयर ये बड़ा हुआ, कितने स्क्वेयर हो गए फिर? 5। यानी कि हमें लर्न अब यहां से कर लेना है कि जब भी प्लस का साइन बनता हो, प्लस का साइन बनेगा, एक स्क्वेयर होगा, और उस स्क्वेयर के अंदर एक प्लस का साइन बन जाए, तो हमेशा ही कितने स्क्वेयर होंगे? 5। ये आपने याद रख लेना है कि 5 स्क्वेयर होंगे। अब क्वेश्चंस और हम करते हैं, और ये 5 जो स्क्वेयर है, तरीका भी आप सीखने चाहिए, 1, 2। और यहां पर जनरली है क्या चीज, ये देखने में लेफ्ट टू राइट इसको बोलते हैं रो, और अप्स टू डाउन क्या होता है? ये कॉलम। क्लियर है? रो एंड कॉलम होता है। तो यहां पर कितने रो थे? 1 और 2, और कॉलम भी कितना है? 2। मीन्स सेम रो एंड सेम कॉलम जब होगा, सेम रो और सेम कॉलम होगा, तो वहां पर आपने ट्रिक क्या लगानी है? 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। यानी कि यहां से आप लेफ्ट टू राइट चल के स्क्वेयर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर कितना हो गया? 4, और ये टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 स्क्वेयर आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब इस फिगर में आप देखिए, 1, 2, 3, 2 और 3, सेम रो सेम कॉलम है यहां भी, तो कितने स्क्वेयर्स बनेंगे? 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया? 14 स्क्वेयर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली यदि हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4, 1, 3 और ये हो गया 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, मीन सेम रो सेम कॉलम। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि सभी का स्क्वेयर कर देना है। 4 स्क्वेयर कितना हो गया? ये 1 जवाब है 4 प्लस 9 प्लस 16, 25 और 5 30 स्क्वेयर कितने हो गए? यहां पर 30 स्क्वेयर आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। तो यहां से आपको कितने स्क्वेयर देखने को मिले? 30। क्लियर है? तो जब भी आपको सेम रो और सेम कॉलमों की संख्या देखने को मिले, तो आप काउंट करिए, 1, 2, 3 जितने भी रो हैं उनको काउंट करिए, उनका स्क्वेयर कीजिए, फिर सभी को ऐड कर दीजिए, उतने ही आपके पास क्या हो जाएंगे उस फिगर में? स्क्वेयर हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम
अगर रो और कॉलम अलग अलग हो, क्लियर है, रो और कॉलम की संख्या यदि डिफरेंट हो तब यहां पर कैसे हम काउंटिंग फिगर्स में स्क्वेयर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यदि आपके पास रो और कॉलम अलग अलग है, वन टू थ्री और ये टू, अब यहां पर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्क्वेयर्स हैं? तो करना क्या है, इस टू को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कॉलम के मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम नंबर क्या है टू, और रो का मैक्सिमम नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन एक एक घटाते जाइए, वन मल्टीप्लाई टू, क्लियर है। अब वन के बाद नीचे क्या आएगा, जीरो मल्टीप्लाई वन, तो यहां तो वैल्यू हो गई जीरो, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, टू थ्री जो सिक्स, टू वन जो टू, कितने हो गए यहां पर एट स्क्वेयर हो गए, क्लियर है, कितने हो गए एट स्क्वेयर। अब एट स्क्वेयर कैसे होंगे वो भी देख सकते हैं, सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यही हो गए एट स्क्वेयर आपके पास, ये होगा सेवन और एट स्क्वेयर आपके पास ये होगा, कितने स्क्वेयर हो गया यहां से एट स्क्वेयर हो गया आपके पास, क्लियर है। सिमिलरली थोड़ा और हम एडवांस रखते हैं, अब यहां पर हमें काउंटिंग करनी है कि यहां पर कितने स्क्वेयर्स हैं, तो वन टू थ्री फोर, टू थ्री मीन्स थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस वन जीरो मल्टीप्लाई वन, फोर थ्री सर ट्वेल्व, टू थ्री सिक्स प्लस टू प्लस जीरो, तो बारह छह अठारह और दो बीस, क्लियर है। कितने यहां पर स्क्वेयर हो गए, बीस स्क्वेयर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है फ्रेंड्स। सो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, अगर ये फिगर है आपके पास, फोर वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, अब इसमें कितने स्क्वेयर्स होंगे यदि मैं इसको मीट करा दूं यहां पर, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई इस तरीके से और ये यहां से, तो यहां पर कितने स्क्वेयर देखने को मिलेंगे, चार बार तो पता होगा, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर, कितने हो गए वन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, पच्चीस और एक ये हो गया तीस स्क्वेयर, और एक स्क्वेयर क्या होगा ये, तो कितने हो गए इकतीस स्क्वेयर आपको इस फिगर में देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपने सेम रो सेम कॉलम डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम को देख लिया, अब हम इसी फिगर से एक फिगर और बनाएंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे काउंट करें स्क्वेयर्स। अभी मैंने आपको फर्स्टली ये दिखाया था कि जब भी प्लस का साइन बनेगा तो वहां पर कितने स्क्वेयर होंगे, हमेशा ही पांच स्क्वेयर होगा, कितना स्क्वेयर होगा वहां पर पांच स्क्वेयर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा चेंज करूं, क्लियर है, मैंने इनको मीट करा दिया, इनको ज्वाइन करा, तो अब यहां पर फिगर कितने बन जाएंगे, स्क्वेयर कितने होंगे, छह स्क्वेयर हो जाएंगे, यानी कि पांच तो प्लस के अंदर पहले से ही था और एक
स्क्वायर जो बना ये वाला, तो कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 6 स्क्वायर। इसको आपने याद करना है, क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे में 6 स्क्वायर हमेशा ही बनेंगे। एक फिगर और देखिए, इस फिगर में अगर ऐसा एक जायंट फिगर आपको देखने को मिले तो कई बार क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, कैसे फाइंड आउट करें? तो बहुत ही सिंपल सा है। अभी मैंने बताया कि एक प्लस का जब भी आएगा तो कितने फिगर बनाएगा वो? 5। तो ये स्क्वायर्स देखिए, बड़ा स्क्वायर यहां जैसे, और उसमें ये क्या बन रहा है? प्लस। तो एक प्लस यानी कि बड़ी वाली लाइन में 5 बना है, अंदर वाली जो लाइन है इसने कितना बनाया? 5। इसने भी कितना बनाया? 5। क्लियर है? और ये आपका रहेगा, इसने भी कितना बनाया? 5। तो टोटल फिगर्स कितनी हो गई यहाँ पर? 20 स्क्वायर्स हो गए। अगर एक यहीं पे और ऐड कर देता ये, तो ये 5 ये भी बना देता, तो कितने हो जाते? 25 हो जाते। तो ऐसे क्वेश्चंस को बार बार नहीं गिनना, सिंपल सा ये काउंट करना, 1 2 3 4 5। यदि 5 है तो 5 गुणा में 5 करके 25 आंसर, क्लिक करके आगे बढ़ जाना है आपने। क्लियर है? कुछ भी मुश्किल नहीं है काउंटिंग फिगर से। इस फिगर को नोट कर लीजिए और बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट जैसा है वैसा ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही स्क्वायर का है। स्क्वायर्स उससे भी आसान है, तो स्क्वायर्स को हमने समझ लेना है आज ढंग से, क्योंकि स्क्वायर्स का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फिगर और देखिए, सभी जायंट फिगर है। पहले क्या करना है? प्लस बना, इसके अंदर बना प्लस, देन उसके बाद फिर से कॉर्नर को बीट करा देना है। अब हमें क्या करना है? यहां पर स्क्वेयर्स बताने हैं कि कितने स्क्वेयर्स बने। यानी कि एक प्लस बनाता था 5 स्क्वेयर, और मैंने आपको ये बताया ही था कि जब भी ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा तो हमेशा कितने स्क्वायर होंगे? 6 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर, तो ये प्लस बनाए, देखिए प्लस है, तो उसमें एक ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने फिगर बनाएगा? 6 फिगर ये बनाएगा, 6 फिगर ये भी बनाएगा, और अंदर कितने बच गए? अंदर तो सिर्फ प्लस है, तो प्लस के साथ ये कितना बनाएगा? 5। तो 6 12 5 17 स्क्वायर्स होंगे इस फिगर। कितना इजी है? बहुत इजी है, सिर्फ समझना है आपने। वही एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है स्क्वायर्स का। बहुत ही इजी टॉपिक है स्क्वायर्स का, और समझना है यहां पर कि कैसे हम स्क्वायर्स को कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 2 3 4, अब इसी फिगर को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए आगे तक। क्लियर है? थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है इस फिगर को, अब यहां पर कितने स्क्वायर्स होंगे वो देखिए। तो बहुत ही इजी फिगर है ये, देखने में बहुत ही ज्यादा फिगर है, मुश्किल फिगर है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें चार का तो पता ही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 और 25 और ये हो गया 30, और एक ये बनाएगा, एक दो तीन और ये हो गया चार, टोटल कितने हो गए 34 स्क्वायर हो गए इस फिगर के अंदर। और भी हम फिगर्स होंगे हमारे पास जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आपने प्रैक्टिस में लाना है इन फिगर्स को। अब यहां पर देखिए, यहां पर कैसे करना है, 1, 2, 3, 2 और 3, हमें 3 तक का काउंटिंग फिगर्स पता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1 13 और 1 ये हो गया 14, और ये कितना हो गया 1, 2, 3 और ये हो गया 4, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, तो इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हो गए 18 स्क्वायर इस फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जनरली हमें इसी ट्रिक पर काम करनी है, स्क्वायर की ट्रिक पर वर्क करना है। अब हम क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की सीरीज में, कि क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, एज वेल एज प्रैक्टिस करनी हमने बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब यहां पर आपको क्या है स्फीयर देखने को मिल जाएगा, ये इसे हमने स्फीयर्स में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है, और यहां हमें चार स्क्वायर लगा दिए, तो यहां पर कितने फिगर्स होंगे, तो हमने पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, अब सेम रो सेम कॉलम का कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 4, 16, 9, 4 प्लस 1, यानी कि 25 और 5 ये हो गया 30 फिगर आपको मिल जाएंगे स्क्वायर। अब एक ये प्लस वाला जो बन रहा है, तो प्लस वाला कितने लाएगा 5, ये प्लस वाला कितने लाएगा 5, ये भी कितने लाएगा 5, और ये भी कितने लाएगा 5, तो 30 में 20 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 50, तो इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स हो गए, टोटल 50 स्क्वायर्स है इस फिगर के अंदर। सो गाइस, ये था स्क्वायर के सभी क्वेश्चंस। अब हम रेक्टेंगल का लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो रेक्टेंगल का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और लास्ट कॉन्सेप्ट हम रेक्टेंगल का कर लेते हैं। रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट भी सेम है, और उस कॉन्सेप्ट में करना क्या है, सेम रो सेम कॉलम, सेम रो सेम कॉलम, अब आपको एक बात याद रखनी है, सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते, बट सभी के सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्लियर है। सो 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, सेम रो सेम कॉलम है, जब भी सेम रो एंड सेम कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले, तो आपने करना क्या है, नंबर्स को क्यूब कर देना है, 3 क्यूब और ये हो गया 4 क्यूब, यानी 1 क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना हो गया 64,
तो आप इनको ऐड कर लेंगे आप 11, 11 8, 19 और 1, 20, 6 8, 9, 6 2 8 और 8 2 10 होंगे, यानी कि 100 रेक्टेंगल होंगे यहां पर। कितने होंगे? 100 रेक्टेंगल। यानी जब भी आपको सेम रो और सेम कॉलम का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़े तो कुछ नहीं करना, उनका क्यूब करना है और उनको ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको यहां से, सेम रो सेम कॉलम का जो अभी देखा था, और बट अगर सपोज के लिए टू रो है, 1, 2 और 2, तो यहां पर कितने रेक्टेंगल्स होंगे? 2 का क्यूब कर दीजिए और 1 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 + 1, यानी कि 9 रेक्टेंगल्स हो गए यहां पर। क्लियर है? अगर यही स्क्वायर होता तो कितने स्क्वायर बनते हैं यहां पर? स्क्वायर होता तो 5 होता सर। क्लियर है? बट रेक्टेंगल्स होने के कारण यहां पर 9 रेक्टेंगल होंगे। अब हम क्वेश्चन एक और देखेंगे, देन क्लास को फिनिश करते हैं। और सेम रो का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, अब डिफरेंट रो जब होगा, डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम, डिफरेंट कॉलम जब होगा तो वहां पर कैसे वर्क करेंगे आप? ये 4 है, ये हो गया 3। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, यानी कि डिफरेंट 1, 2, 3, 4, 4 रो है आपके पास, कॉलम की संख्या कितनी है? 3, 3 कॉलम है, 4 रो है, तो यहां पर कुछ नहीं करना, रो को अलग ऐड कीजिए, यानी कि रो इनटू में क्या करना है? कॉलम। क्लियर है? रो को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 इनटू कॉलम 1 + 2 + 3, 4 7 और ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 3 और 3 6, यहां पर आपको 60 रेक्टेंगल्स देखने को मिलेंगे। क्या आंसर हो जाएगा यहां पर? 60 हो जाएगा। यदि हम इस कॉन्सेप्ट को यहां भी अप्लाई करें तो यहां भी आंसर आपको देखने को वही मिलेगा। ऐड करके देखते हैं, 4 + 3 + 2 + 1 मल्टीप्लाई 4 + 3 + 2 + 1 4 7 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट आप लगाइए, सभी रो को ऐड कीजिए, सभी कॉलम को ऐड कीजिए, देन मल्टीप्लाई करिए और रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट कर लीजिए। सो गाइस, ये था काउंटिंग फिगर का सेकंड पार्ट जिसे हमने कर लिया है, और सेकंड पार्ट में रेक्टेंगल्स और स्क्वेयर्स को देखा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, बने रहिए आप नेक्स्ट टाइम के साथ, एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट टाइम को। थैंक यू वेरी मच।